हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लेस्बी फैशन हब में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको पीछे का सूट का गला बनाना बताऊंगी और सूट के गले में थोड़ा हम डिजाइन डालेंगे, वही मैं आपको दिखाऊंगी कि आज सूट का गला कैसा बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सूट की कटिंग मैंने कर ली है, आप देख सकते हैं मेरे पास एक सूट था जिसकी कटिंग मैंने कर ली है। अगर आप सूट की कटिंग देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखाऊंगी। तो अभी मैं गले की कटिंग करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जितना हमें चौड़ाई चाहिए ना उतना हमें चौड़ाई पे निशान लगा लेना है। ये देखिए, यहाँ से मैं नापूंगी कि मुझे कितना चौड़ाई चाहिए गले की। ये देखिए, तो मैं अपने गले की चौड़ाई में देख रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे 3 इंच चाहिए तो मैं यहाँ 3 इंच में निशान लगा लूंगी। बुकरम की मैंने एक पट्टी ली है, ये भी बता देती हूँ। ये देखिए, ये है 14.5 इंच की पट्टी है लंबाई में, और चौड़ाई में है ये 4 इंच की। तो 3 इंच पे हम निशान लगा देते हैं और 3 से फिर हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। आप देख सकते हैं, ये देखिए 7 इंच पे मैंने निशान लगाया और यहाँ पे भी हम 3 इंच पे ही निशान लगाएंगे। ये देखिए, अगर फ्रेंड्स आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज 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 लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। मैं न्यू हूँ, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, मैं नई नई वीडियोज आपके लिए लेकर आती रहूंगी। और यहाँ पे 1/2 इंच का हम निशान लगाएंगे और यहाँ से इसको ऐसे घुमा देंगे। उसके बाद हमें यहाँ से जितना डिजाइन का रखना है उतना रख लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। मैं यहाँ पे 5.5 इंच रख रही हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ 5.5 इंच पे निशान लगाऊंगी फ्रेंड्स, और यहाँ से मैं 2 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहाँ से मैं इसको ऐसे करके और थोड़ा सा ऐसे गोलाई देते हुए इसको मिला लूंगी। ये देखिए, आप यहाँ से कम और ज्यादा भी कर सकते हो, मुझे इतना ही चाहिए था इसलिए मैं इतने पे ही निशान लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं, अब बगल से 1-1 इंच पे हम निशान लगाएंगे बुकरम के बगल से। ये देखिए देखिए देखिए, जल्दी जल्दी मैं आपको निशान लगा के दिखा देती हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बार बार थोड़ा ट्राइपॉड हिल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये 1-1 इंच पे मैंने निशान लगा के सब निशानों को मिला लिया है। आप देख सकते हैं ऐसे, और ऐसे करके पूरा मैं ऐसे करके इनको मिला लूंगी। और अब इन्हें बाहर वाले निशान से पहले हमें कट करना है, अंदर वाले निशान से कट नहीं करना है। आप देख सकते हैं, ये देखिए मैं दिखाती हूँ उठा के। ये देखिए, जो बाहर का निशान है ना ये वाला, यहाँ से हमें कट करना है। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स प्लीज, अगर आप हमसे कपड़े सिलवाना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर नीचे दिया। स्टिचिंग भी सीखना चाहते हैं तो आप कॉन्टेक्ट करते हो। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर करें। और ये देखिए, अभी हम अंदर वाले निशान से काटेंगे। फटाफट से मैं इसको काट लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये गला मेरा कट गया है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए देखिए कैसे कटा है। चलिए अब मैं इसको सिलना बताऊंगी। सिलने के लिए मैंने एक कपड़ा लिया है इसी की बॉटम का, क्योंकि इसमें से कपड़ा नहीं बचा है ज्यादा जिस पे हम गला बना सके, तो मैं इसकी बॉटम के कपड़े पे गला बनाऊंगी। तो ये देखिए, ये कपड़ा है जिसको मैं ऐसे रख लूंगी, और रखने के बाद मैं ऐसे, ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे करके मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी और इस कपड़े को मैं यहाँ से काट लूंगी रख के। और इस कपड़े पे सेट करने के लिए ना इस गले को, तो यहाँ से हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। चलिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। आप बिगनर्स हैं तो आप यहाँ पे पिंस का भी यूज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ से मैं कच्ची सिलाई लगाऊंगी यहाँ से, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा मुझे आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है अभी, मैं उसको पहले काट देती हूँ। ये देखिए, इधर से भी मैं ऐसे ही एक्स्ट्रा कपड़े को काट दूंगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ अभी आपको मशीन पे इससे सिलाई लगा के, और गला बना के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ कच्ची सिलाई लगा लेती हूँ, आप देख सकते हैं।
अच्छी सिलाई लगा के उसको कपड़े पे सेट कर लेना है, जैसे मैं कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिलाई कच्ची लगा ली है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए कच्ची सिलाई से मैंने इसको सेट कर लिया है पूरे को। अभी ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, हम इसको फोल्ड करेंगे यहाँ पे और इसके किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। चलिए वो भी सिलाई मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। इससे पहले कॉर्नर्स हैं, मैं हमेशा बताती हूँ कि आपको कट कर लेना है। वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा देखिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलिए ये देखिए, ये देखते हैं आप, देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये देखो, ये देखो, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और पूरा ना यहाँ पे इस कपड़े की इधर इधर सिलाई लगाते रहना है। ये देखिए, ये देखिए, जैसे जैसे कपड़े की सिलाई है मूव होता रहेगा, कपड़े की सिलाई लगाते रहना है। और नीचे आके इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है और दूसरी साइड की सिलाई सेम ऐसे ही लगा लेनी है। मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। अगर आप सिलवाना चाहते हैं तो प्लीज कॉन्टेक्ट करिए हम लोगों से। और जब ये बन जाएगा ना गला और ये सूट भी बन जाएगा तो मैं इसका पूरा लुक आपको दिखाऊंगी कि कैसा आया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हुआ, एक्स्ट्रा धागे काट देने हैं। देखिए जितने भी एक्स्ट्रा धागे हैं मैंने काट लिए हैं, ये देखो। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसको हमें काट देना है। ये देखो, दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी। कुछ भी मैं एडिट नहीं कर रही हूँ, कुछ ये नहीं कर रही हूँ, जैसा है वैसा आपको दिखा रही हूँ कि कैसे हम लोग काम करते हैं और कैसे बनाते हैं। अब दोनों साइड के ये छोर मिलाने हैं और यहाँ पे मिला के ऐसे कपड़े को पकड़ना है और बीच में चुटका लगा लेना है। ये देखिए, चुटका लगाने के बाद हमें बीच का निशान लगाना है। ये देखिए ऐसे, जो चुटका लगाया था उसी के इधर से। आप बिगनर्स हैं तो आप स्केल की सहायता से लगाइए, कभी भी आप ऐसे ही निशान मत लगाइए, ठीक है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कुर्ते का पार्ट ले लिया है हमने और ये सीधा हिस्सा है सूट का, कमीज का, बैक साइड का। और देख रहे हैं कि बीच में मैंने क्रीज बना लिया है, ये देखिए ध्यान से, ताकि बीच का निशान बना रहे। और यहाँ पे भी मैं चुटक लगा लूंगी और क्रीज के ऊपर मैं चौक से निशान लगा लूंगी। ये देखिए, देखिए इस क्रीज को हम डार्क कर लेंगे 15 इंच का, देख सकते हैं। और अब इसको इसके ऊपर रखेंगे, देखिए फ्रेंड्स, और दोनों चुटक मिलानी है हमें, चुटकियां हैं दोनों मिला लेनी है। ये देखिए, देख दिख रहा होगा आपको, और बीच की सिलाई लगानी है। देखिए बीच में सिलाई लगाने से क्या होगा ना, आपका गला सेट हो जाएगा। देखिए कोई एडिटिंग नहीं कर रही हूँ अभी इस टाइम पे, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ सीधा सीधा एकदम। और यहाँ पे आके सिलाई को रोक देना है और मशीन से हटा लेना है। अब ये हिलेगा नहीं। अगर आपके पास ऑल पिंस है तो आप ऑल पिंस का यूज करके भी इसको बना सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड, सिलाई लग चुकी है बीच की। अब हमें गला सेट करने के लिए जो गले का किनारा है, यहां से किनारे 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 सिलाई लगानी है और सिलाई लगा के इसको पूरा ऊपर तक कवर कर देना। चलिए मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो ये अंदर का कपड़ा है मैं इसको काट रही हूँ। कपड़ा आपको देखिए पाव पाव इंच छोड़ के काटना है। ये देखिए पाव इंच कपड़ा अंदर रहना चाहिए, एकदम किनारे से कपड़ा नहीं काटना है।
देखिए, और बीच में जब आप आ जाएंगे तो बीच की कपड़े को ऐसे लेके पहले जाना है, देखिए, ताकि आप आराम से कपड़े को काट सकें। मैं देखिए, मैं घुमा घुमा के इसको काट रही हूँ। देखिए फ्रेंड, अब इसको काट लेना है। देखिए, और जो भी कॉर्नर्स हैं सब जगह छोटे छोटे चुटक आपको ऐसे लगा देने हैं, कट्स लगा देने हैं, चुटके कटके जैसे भी बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और अच्छा कुछ सिखाऊंगी, तो प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब बताइए फ्रेंड्स, आपको कैसे गले क्या सीखना है, मैं लेके आऊंगी और आपको बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, एक कट्स मैंने लगा ली हैं, अब हम देखिए गला पलटते हैं। मैं आपके सामने ही दिखा रही हूँ, ये देखिए इधर थोड़ा सा कट रह गया है। खासकर कॉर्नर्स पे कट जरूर लगाने हैं, आप देख सकते हैं मैंने कॉर्नर्स पे कट जरूर लगाए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको पलट देती हूँ। देखिए, मैं इसको पलट के आपको पूरा दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये गला मेरा पलट चुका है पूरा, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, चलिए फ्रेंड्स, अब ये पलट चुका है, इसके ऊपर हम कच्ची सिलाई लगाएंगे ताकि ये सेट हो जाए। मैं आपको इस पे कच्ची सिलाई लगा के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कच्ची सिलाई लग के ये रेडी हो चुका है, और अब मैं ना इसकी बॉटम नेवी ब्लू कलर की है और इस सूट में गोल्डन कलर का काम है, तो मेरे पास ये लेस है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। इस लेस को मैं यहाँ पे लगाऊंगी, ये देखिए ऐसे करके ऐसे, और चलिए मैं आपको लेस लगाकर दिखाती हूँ कि गला कैसा लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा गला बन के रेडी है, लेस लग चुकी है, और जो ये वाला एरिया है खाली, यहाँ पे मैं यहाँ पे कोड़ी लगाऊंगी। आप यहाँ पे डोरी लगा सकते हैं, लूप वाला बटन लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। और ये सूट जब रेडी हो जाएगा ना, तो मैं पोस्ट में ना इसकी फोटो डालूंगी पूरे सूट की, तो आप देख के बताइएगा कैसा लगा आपको। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। फ्रेंड्स प्लीज प्लीज सपोर्ट कीजिए, अगली वीडियो में और भी अच्छा लेके आऊंगी। ये देखिए, ये कोड़ी से मैं इसको ऐसे जोड़ दूंगी यहाँ पे, और ये मेरा नेक डिजाइन रेडी हो जाएगा। और जो ये कच्ची सिलाई दिख रही है ना, अंदर हेम करने के बाद इस पूरी सिलाई को हम लोग खोल देंगे। तो थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।